सतना के नागौद में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां डंपर और बुलेरो की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए हैं। नागौद के रेरुआ मोड़ के पास बोलेरो और डंपर की भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 3 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी पन्ना जिले में पारिवारिक शोक के कार्यक्रम में शामिल होकर रीवा लौट रहे थे। सभी लोग रीवा के विश्वकर्मा परिवार से हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे के बाद अन्य वाहन चालक रुके और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ ने इनकी मदद की, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। सड़क दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र जैन सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो कार में 10 लोग सवार थे। वहीं पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। इस हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सतना के नागौद में हुई सड़क दुर्घटना में कई अमूल्य जिंदगियों के असमय काल कलवित होने के समाचार से अत्यधिक पीड़ा हुई है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को श्री चरण में स्थान देने और परिवार को वज्रपात सहन करने एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।